हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे बीएससी सेकेंड ईयर का तो थर्ड पेपर का अगला चैप्टर लेते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन्स या एंटीबॉडीज़। इससे पूर्व चैप्टर्स में अपन ने चर्चा की थी कि जो एंटीजन्स जो हैं, बाहरी जो रोगाणु हैं, बैक्टीरिया वगैरह जो हैं, उनके शरीर में प्रवेश करने से जो प्लाज्मा सेल्स हैं उनके द्वारा विशिष्ट प्रोटीन जिनको एंटीबॉडीज कहते हैं उनका निर्माण होता है। रक्त ग्लोबुलिन्स जो कि प्रतिरक्षा हेतु सक्रिय होते हैं, इनको अपन इम्यूनोग्लोबुलिन्स कहते हैं, क्योंकि ये एक प्रकार की प्रोटीन है। ग्लोबुलिन्स प्रोटीन जो है वो है और इम्यूनिटी से रिलेटेड है, तो इसलिए इनको इम्यूनोग्लोबुलिन्स की संज्ञा दी जाती है। एंटीबॉडीज़ प्रोटीन होती हैं और किसी प्राणी के शरीर में बाह्य एंटीजन की उपस्थिति कारण विशिष्ट लसिका कोशिकाओं द्वारा इनका उत्पादन होता है, और अन्य प्रोटीन की भांति ये भी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं से निर्मित होती है, और इनको संक्षेप में IG से इनको दर्शाया जाता है, वो संबोधित किया जाता है IG या इम्यूनोग्लोबुलिन्स, जो कि प्लाज्मा सेल्स के द्वारा इन रेस्पॉन्स टू एन एंटीजन, किसी एंटीजन की रेस्पॉन्स में प्लाज्मा सेल्स के द्वारा इनका निर्माण होता है और फंक्शंस एज एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज के रूप में ये कार्य करते हैं। उसके बाद अपन देखते हैं इसकी किसी इम्यूनोग्लोबुलिन की क्या स्ट्रक्चर होती है। तो ये जो स्ट्रक्चर अपन देखते हैं, इसमें IgG जो एंटीबॉडी अणु है उसका विस्तृत रूप से अध्ययन किया गया है, और उसकी स्ट्रक्चर को अपन देखते हैं। तो इसका जो मॉलिक्यूल है, अणु है, IgG अणु का आकार उसका वाई के शेप का होता है, और इसमें दो श्रृंखलाएँ होती है, एक हैवी चेन और एक लाइट चेन। ठीक है, एक भारी श्रृंखला जिसको H लिखा है और एक L लाइट चेन होती है। हैवी चेन्स जो है वो हिंज रीजन के द्वारा जुड़ी होती हैं, और प्रत्येक अणु वो दो समरूपी अर्धांशों का बना होता है। ठीक है, एक तो भारी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला और एक हल्की पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला। भारी श्रृंखला में 450 के आसपास 450 एमिनो एसिड इकाइयाँ और हल्की श्रृंखला में लगभग 200 एमिनो एसिड इकाइयाँ उपस्थित होती हैं, और दोनों जो हैवी और लाइट श्रृंखलाएँ हैं और उस और अणु के दोनों अर्धांश हैं वो डाईसल्फाइड बंध के द्वारा आपस में संयोजित होते हैं। इसके अलावा इनकी जो भारी और हल्की श्रृंखलाएँ हैं, इनमें फिर से प्रत्येक श्रृंखला में दो भाग होते हैं जिनको स्थिर भाग और अस्थिर भाग कहते हैं, कांस्टेंट रीजन और वेरिएबल रीजन। जो ऊपर का अपन पोर्शन देख रहे हैं इसमें, इसको VH और VL लिखा हुआ है। VH वेरिएबल हैवी चेन का वेरिएबल पार्ट है, और VL वो लाइट चेन का वेरिएबल पार्ट है। तो ये जो वेरिएबल पार्ट होते हैं, यही यहाँ पर ही एंटीजन बाइंडिंग साइट होती है, जहाँ पर एंटीजन आकर के जुड़ता है और एंटीबॉडी से क्रिया करता है। इसके बाद अपन देखते हैं इसके टाइप्स ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन कितने प्रकार के हैं। तो ये मुख्य रूप से पांच प्रकार की इम्यूनोग्लोबुलिन हैं, IgG, IgA, IgM, IgT और IgE। WHO द्वारा वर्गीकरण दिया गया है, पांच प्रकार का माना गया है इनको। तो IgG जो है वो शरीर की प्रमुख सेवनी एंटीबॉडी है, जो रक्त, लसिका और ऊतक के द्रव्य में उपस्थित होती है। सीरम इम्यूनोग्लोबुलिन्स का ये लगभग 80 से 85% भाग बनाती है, यानी सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है, और केवल यही एंटीबॉडी ऐसी है, इम्यूनोग्लोबुलिन ऐसा है जो प्लेसेंटा के थ्रू पार होकर के भ्रूण, माता के भ्रूण में पहुंच सकता है। ठीक है, हालांकि मानव का जो विकास भ्रूण है वो स्वयं एंटीबॉडीज के निर्माण में सक्षम होता है, किंतु सामान्य परिस्थिति में माता से उपार्जित जो एंटीबॉडीज हैं वही नवजात शिशु को जीवन के पहले 6 महीनों में प्रतिरक्षित रखते हैं। नवजात शिशु के जीवन काल के प्रथम 6 महीनों में माता से ग्रहण की गई जो IgG वो क्रमशः धीरे धीरे कम होती जाती है, और स्वयं जो शिशु वो अपनी एंटीबॉडीज का निर्माण करने लग जाता है। उसके बाद है अगली IgA इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो है, यह है नवस्तनीय दुग्ध जो है, नव दुग्ध जिसको अपन कोलोस्ट्रम कहते हैं। ठीक है, तो कोलोस्ट्रम नव दुग्ध जो है उसका प्राथमिक प्रतिरक्षी है, और जीवन के प्रारंभिक दिनों में रोगजनक जीवों से नवजात शिशु की रक्षा करता है। और IgA की जो है वो अणु डाइमर द्वीप के रूप पाया जाता है, डाइमर के रूप में, जिसकी दोनों इकाइयां जे श्रृंखला के द्वारा जुड़ी रहती हैं। और इसका निर्माण
जो सिक्रेटरी साइट्स हैं स्रावित स्थलों की, प्लाज्मा कोशिकाओं द्वारा होता है, और ये श्लेष्मी कलाओं से आने वाले सूक्ष्म जीवों से भी शरीर की रक्षा करता है। ठीक है, उसके बाद है IgM। IgM जो प्रतिरक्षी है वो है एक प्रतिजन की अनुक्रिया से, एंटीजन की अनुक्रिया से उत्पादित होने वाला ये प्रथम प्रकार का प्रतिरक्षी है, और आक्रमणकारी जो सूक्ष्म जीव है उनके विरोध में सबसे अधिक प्रभावशाली होता है। ठीक है, यद्यपि इसका एंटीजन के साथ में तुलनात्मक तो कमज़ोर हो सकता है, IgM जो प्राथमिक रूप से ब्लड प्लाज्मा पाया जाता है और धीरे धीरे जो अंतराली द्रव है उनमें प्रवेश करता रहता है। उसके बाद है IgG। अपन लेते हैं IgD। ठीक है, IgD सामान्यतः रक्त में पाया जाता है और इसकी सांद्रता बहुत कम होती है, लगभग जो ब्लड सीरम है उसका 1% होती है। यह बी लिम्फोसाइट की सतह पर पाई जाती है और एंटीजन ग्राही का कार्य करती है। उसके बाद लास्ट है IgE। ठीक है, IgE ये बहुत कम मात्रा में पाई जाती है और आकार में IgG से थोड़ी बड़ी होती है। IgE जो है वो दवाओं, भोजन और जो वातावरणीय पदार्थ हैं या सूक्ष्म जीवी प्रतिजन है उनकी एलर्जी की जो रिएक्शंस है, शरीर की एलर्जी रिएक्शन से संबंधित होती है, यानी एलर्जी की जब दिक्कत होती है तो उसमें IgE एंटीबॉडीज जो है वो उनका उत्पादन ज़्यादा होता है। और जो IgE है उनके उसका जो मुख्य लक्षण है वो है इनके द्वारा जो मास्ट कोशिकाएं होती है उनका स्टिमुलेशन होता है, उत्प्रेरण किया जाता है, तो मास्ट कोशिकाओं द्वारा हिस्टामिन जो पदार्थ है उसका स्रावण होता है, जिसके द्वारा हिस्टामिन की वजह से जो एलर्जिक रिएक्शंस हैं वो क्रिएट होती हैं। इनको कम करने के लिए एंटी एलर्जिक जो दी जाती है वो एंटी हिस्टामिन दवाएँ दी जाती है जो इस एलर्जी को ख़त्म करती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं आज के इस टॉपिक में इम्यूनोग्लोबिन्स की सामान्य जानकारी और इसकी अणु संरचना और कितनी प्रकार की होती हैं, इसकी सामान्य जानकारी अपन ने आज ली है। अगले चैप्टर्स में अपन जो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस हैं वो किस प्रकार से होती हैं उसको देखेंगे। थैंक यू।